तो काफी ज्यादा खुशी हो रही है, फाइनली गाड़ी आ गई है। इतने टाइम से बुक करा रखी थी। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द बिगेस्ट, फाइनेस्ट, न्यूएस्ट, लेटेस्ट व्लॉग ऑफ द ईयर। एंड आज टाइटल तुमने पढ़ ही लिया होगा, आज मैं लेने जा रहा हूँ गाड़ी। गाड़ी की डिलीवरी आज बहुत मुश्किल से, इतनी जद्दोजहद लगा दी इस गाड़ी को लेने के लिए, क्योंकि इस गाड़ी पे वेटिंग इतनी ज़्यादा थी और मेरे को 31 मार्च से पहले चाहिए थी गाड़ी। सो मैं नॉर्थ दिल्ली साइड रहता हूँ और मेरे को गाड़ी लेने जाना होगा साउथ दिल्ली ओखला में। मतलब कि मैं 7 डेज से लगातार व्लॉग कर रहा था, बीच में एक दिन मैंने छुट्टी मार ली, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं फिर से एक व्लॉग के साथ आ गया हूँ और अब मेरे को अच्छा लग रहा है व्लॉग बनाना। मैं फिर से एकदम उसमें आ गया हूँ, ऐसे फ्लो में व्लॉग बनाने के। तो अब मेरे को अच्छा लगता है कैमरा के साथ बातचीत करना। अभी टाइम हो रहा है 4:45 और मेरे को गाड़ी लेने के लिए जाना है ओखला, और वहाँ पे मिलेंगे मेरे को चाचू। तक ड्यूटी लगी हुई है तो वो डायरेक्टली ड्यूटी से आएंगे, वो भी साउथ दिल्ली रहते हैं, तो मैंने कहा उनके साथ ही चले जाएंगे। लेट बहुत ज़्यादा हो रहा हूँ हर बार की तरह, मैं हर चीज़ बोलने लग गया तू, हर बार ना लेट हो रहा हूँ, हर बार का हो गया तेरा, लेट हो रहा हूँ हर ब्लॉग में, लेट हो रहा हूँ। लेट तो हो रहा हूँ मैं इस बार भी, और जाना तो है ही, तो जा रहा हूँ मैं, बाय। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आप सबसे, क्या तुम बिना फिजिकली गाड़ी को देखे क्या तुम उसे बुक करा सकते हो? सिर्फ ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस देखकर क्या तुम कोई गाड़ी को बुक करा सकते हो जबकि तुमने उस गाड़ी को फिजिकली देखे ही बिना? मेरे किसी दोस्त ने नहीं ऐसा किया, मैं बस वैसे ही पूछ रहा हूँ। ये बड़ी अजीब सी चीज़ लगी मेरे को कि लोग ऐसा। लास्ट वीडियो में मेरा ये टूट गया था, बोल रहे ये भी अभी जाके मैं लेता हूँ बस। जैसे हम क्या लेने जा रहे हैं, कितनी मौज में है कुत्ता, जिंदगी मजे तो ये ले रहा है। ओहो अंगड़ाइया, ओए होए, ये कंचे वाली बॉटल बचपन में पीते थे। ओहो जा के निकल गया, थोड़ा सा वो नमक डाल दो इसमें, काला नमक। तो ये बचपन में मेरे को याद है 3 रुपए की आती थी, अभी ये कितने की, 15 की, 15 की हो गई है। जब छोटा था इतनी ज़्यादा पीता था, 3 रुपए की, वो झाग निकल गया। बचपन की यादें ताज़ा हो गई गाइस। सो फाइनली अब शोरूम पहुंच गए हैं, गाड़ी खड़ी हुई है मेरे सामने। ओहो क्या सुंदर गाड़ी लग रही है। तो ये है गाड़ी Hyundai Aura, आफ्टर सो लॉन्ग ब्रो, कितने टाइम बाद कैमरा के आगे आए हो, व्यूअर्स मिस कर रहे थे। क्या करूँ, थोड़ा बिजी था। मम्मी कैसी लग रही गाड़ी? सो बिफोर डिलीवरी गाड़ी की इंस्पेक्शन करनी ज़रूरी है कि कहीं से कुछ डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है गाड़ी में, तो वही अभी चल रहा है। तो मैं बता भी देता हूँ थोड़ा चेक कैसे करते हैं। साइडवेज खड़े हो जाओ गाड़ी के और देखो कि कोई डेंट वेंट तो नहीं पड़ा ऐसे, इधर से खड़े होकर देखोगे तो ये साइडवेज तो दिख जाएगा कि कोई डेंट वगैरह तो नहीं पड़ा। गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी प्रीमियम है, प्लास्टिक काफ़ी हार्ड है इसका, और सही है, बढ़िया लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है, फाइनली गाड़ी आ गई है। इतने टाइम से बुक करा रखी थी, इतनी ज़्यादा वेटिंग है। थैंक्स टू अनु जिन्होंने अवेलेबल करा दी मेरे को, 31 मार्च से पहले चाहिए थी गाड़ी। जय माता दी। तो ये बहुत ही खुशी के साथ अपने आप पहली बार स्टार्ट करते हुए। वजह को खुला हुआ है क्या? भाभी का खुला हुआ, मम्मी वाला ही खुला होगा पक्का। रात के 12:45 हो रहे हैं और अब जाके मेरे हाथ में गाड़ी आई है, सीट बेल्ट पहन लेते हैं। मतलब नई गाड़ी का ना अपना ही मजा है, इतनी ज़्यादा स्मूथ लग रही है। तो अब आगे आने वाली वीडियो में मैं इस गाड़ी में क्या क्या काम करवाता हूँ सारी चीज़ें मैं शेयर करूँ। ज़्यादातर सोचा सारी चीज़ें मैं आफ्टर मार्केट ही कराऊँ, कंपनी से ना कराऊँ, क्योंकि कंपनी फालतू में मेरे को लगता है मार्जिन ज़्यादा रखती है। मैं जेन्युइन चीज़ें लगाऊंगा वो आगे आगे जाके मैं दिखाता जाऊँगा। अगले दिन पूजा हो रही है। यहाँ पे मैं
करता हूँ एंड, आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो में, नीचे कॉन्ग्रेचुलेशन की बारिश कर दो जरा। ये वीडियो अगर तुम्हें पसंद आई है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय।